जब मोदी श्रीलंका में दोस्ती और भाईचारा का संदेश दे रहे थे, ठीक उसी वक्त नागपुर के आरएसएस मुख्यालय से मोदी सरकार के लिए एक संदेश आया। संघ ने भैयाजी जोशी के नाम पर तीसरी बार मोहर लगा दी और मोदी के पसंदीदा दत्तात्रेय होसबोले सर कार्यवाह बनने से चूक गए। नागपुर का संदेश साफ है, भैयाजी जोशी की सेहत भले ही उनका साथ न दे रही हो, लेकिन संघ उनके साथ खड़ा है। आरएसएस के ताजा चिंतन का निचोड़ यही है कि भैयाजी जोशी ही तीसरी बार आरएसएस के सर कार्यवाह होंगे। स्वाभाविक रूप में सर्वसम्मति से सब संघ के प्रतिनिधि लोग एकमत से माननीय सुरेश उपाध्याय भैयाजी जोशी का नाम ही बताया और उनका जो माननीय सुरेश भैया जोशी जी के चुनाव घोषित किया चुनाव, और उन्होंने आने वाले 3 साल के सरकारी और इस कार्यकाल के सरकारी और इस नाते से उनका जो घोषणा हो गई है। अब जरा सर कार्यवाह का मतलब भी समझ लीजिए। आरएसएस में नंबर 2 होता है सर कार्यवाह। आरएसएस प्रमुख के बाद सर कार्यवाह की चलती है। सारे संगठनों से तालमेल का जिम्मा सर कार्यवाह पर होता है। प्रचार प्रसार और अहम नीतियां तय करने में भी रोल होता है। सर कार्यवाह को भविष्य का आरएसएस प्रमुख माना जाता है। 2008 में भैयाजी जोशी को सर कार्यवाह बनाया गया था। उसके बाद 2012 में उन्हें दूसरी बार सर कार्यवाह चुना गया। इस बार भैयाजी जोशी ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर जिम्मेदारी से मुक्ति मांगी थी। संघ का एक धड़ा दत्तात्रेय होसबोले को उनकी जगह लाना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक बार फिर भैयाजी जोशी को सर कार्यवाह चुनकर संघ ने साफ कर दिया है कि वो ऐसे वरिष्ठ प्रचारक के हाथ में सरकार, बीजेपी और संघ के तालमेल का काम देना चाहती है, जो बेहतर तालमेल के साथ साथ संघ के एजेंडे को सरकार के जरिए लागू कराए। इसीलिए दत्तात्रेय होसबोले की जगह संघ ने एक बार फिर भैयाजी जोशी पर दाव लगाया है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि दत्तात्रेय का पत्ता कैसे कटा। दत्तात्रेय होसबोले के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। संघ ऐसे किसी शख्स के कंधे पर सर कार्यवाह की जिम्मेदारी डालने से कतरा गया जो रिश्ते की वजह से मोदी सरकार से 2 टूक बात करने में हिचक जाए। हिमांशु मिश्रा, नागपुर, आज तक।